नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं कामठी रोड में, जानते हैं कि यहां की जनता क्या कहना चाहती है किसानों के हक के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के हक के लिए? मैडम, ये ऐसा आंदोलन है कि पूरे देश के अंदर में आज चल रहा है, पूरे देश के अंदर में ये आंदोलन चल रहा है, जो कि हमारे नागपुर के अंदर में भी आंदोलन है। इसके अंदर में पूरा नागपुर के सिख गुरुद्वारा कमेटियां साथ में है, हमारी नागपुर ट्रकिंग यूनिटी साथ में है। ये जो मोदी जी ने काला कानून बनाया है, मेरा इसके ऊपर में कहना है कि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम में जो इन्होंने काला कानून बनाया है, जो इमरजेंसी के अंदर में इन्होंने लोकसभा में राज्यसभा में जो विपक्ष को साइड में रख के इन्होंने आपसी में ही बैठ के जो कानून बना के इनके खिलाफ जो बनाया है, मेरा ये कहना है कि इन्होंने विपक्ष को साथ में लेना था और साथ में किसानों को लेना था। आज हमारे किसानों को साथ में नहीं लिया, विपक्ष को साथ नहीं लिया, इन्होंने ऐसा काला कानून बना दिया है जो कि अंडानी और अंबानी के लिए बना हुआ है। मेरा ये कहना है कि आज दो महीने से हमारे जो किसान हैं वो पंजाब के अंदर में धरना दे के बैठे हुए थे, अभी दो महीने के बाद 12 दिन हो गए, अभी वो दिल्ली में आए हुए हैं। दिल्ली में आने के बाद में भी 5 बार मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग में कोई मसला हल नहीं हुआ है, और उसके बाद में हमारे जो किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है। मेरा ये कहना है, मोदी जी हमारे अन्नदाता है, इनको आप खालिस्तान आतंकवादी बोलोगे तो ये गलत चीज़ है। इसके अंदर में हमारे पंजाब और हरियाणा के नहीं है, इसके अंदर में पूरे देश के किसान हैं, यूपी के भी है, राजस्थान के भी है, हरियाणा, पंजाब, ये केरला, पश्चिम बंगाल, बिहार, सब तरफ के है। पर मोदी जी को ये बोल रहा हूँ मैं कि आप ये जो हिटलर चाहिए ये अपनी खत्म कर दीजिए। आपको लोकतंत्र के अंदर में आपको पब्लिक ने चुन के लाया है, आप भी हमारे जैसे ही थे पहले। अगर आपको राजा बनाया है तो आप राजा बन के रहो, और जो भी हमारे जो किसान भाई है इनकी बात सुनो, ये कानून जो काला कानून है इसको खत्म कर दीजिए। पर ये मोदी जी हमारी एक सुनने को तैयार नहीं है, इसकी वजह से पूरे देश के अंदर में 140 करोड़ जनता जो है आज रोड पे आई हुई है। अगर ये आंदोलन चलता रहा तो देश के अंदर में जैसे अंग्रेजों का राज था, देश के अंदर में हम लोग गुलाम थे, वैसे हम गुलाम हो जाएंगे यहाँ के अंडानी के और अंबानी के। तो मेरा ये मोदी जी से कहना है, आप ये केस जो भी ये काला कानून वापस ले लो, हिटलर से ही छोड़ दो, और किसानों के साथ में आप बैठो, आप बैठक करो। कारण क्या है कि किसान तो आज परेशान है, उसके साथ में हम ट्रांस वाले भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, ट्रांसपोर्ट व्यापारी और किसान इनका सबका चोली दामन का साथ है। अगर ये नहीं सब रहेगा तो कोई भी नहीं चलने वाला। तो मोदी जी को इतना अहंकार काहे का आ गया कि आज 6 साल से उस सीट पे बैठे हुए हैं। बैठने के बाद में पहले उनसे उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करी, फिर उसके बाद में GST लगा दी, फिर उसके बाद में ट्रिपल तलाक कर दिया, फिर 370 लगा दिया, अभी उसके बाद में उन्होंने ये अपना काला कानून जो किसानों के ये लगा दिया। मोदी जी को मैं ये बोलता, भैया जो आपने पहले किया वो सब अच्छा किया, ये जो कानून आपने बनाया है ये बहुत गलत बनाया है, ये आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, आप इसको वापस ले लो। देश के अंदर में बहुत हायाकार मची है। ऐसे कौन से 3 कानून हैं जो मतलब इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके? धरना ऐसा है, कोई ऐसे उन्होंने MSP कोई अच्छे ऐसे डेंजर कानून बनाए अपने को, तो ऐसे कानून उन्होंने बनाए हैं जिसके अंदर में बड़े बड़े पढ़े लिखे वकील है, बड़े बड़े MBBS है, ये इन्होंने पढ़ा देखा तभी तो धरना पे बैठे, नहीं तो बैठने की जरूरत ही क्या थी? कोई कानून ही गलत होगा तभी तो हो रहा है ये प्रदर्शन, नहीं तो किसको क्या है? अगर अच्छा बनता तो किसान बिल्कुल बढ़िया रहता। आज मार्केट के अंदर में कोई अगर किसान सामान लेके जा रहा है, अगर वो सामान बेचता है 10 रुपये किलो बेचता है, वो आगे जाके किसान को 10 रुपये मिलते हैं, वो आगे जाके अगले को 50 रुपये किलो मिलेगा, 100 रुपये किलो मिलेगा। मैं बोलता हूँ 10 रुपये वाला 50 रुपये किसान को क्यों ना मिले, किसान का फायदा क्यों ना हो। तो मेरा ये मोदी से कहना है, ये काला कानून हटा दिया जाए। जिंदाबाद।